नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे और रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे सवाल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम बैठक बुलाई है। शाम के 4 बजे का समय रखा गया है जब तमाम जिलों के SP और DM के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं। बता दें आपको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के SP और DM जुड़ेंगे, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए उच्च अधिकारी भी इसमें जुड़ेंगे बैठक में। और बैठक की ठीक पहले बता दें, गुरुवार को शाम में बिहार के DGP सहित कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार में विरोधी पार्टियों ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का ऐलान किया, यानी कि कल प्रतिरोध मार्च निकालने का ऐलान विरोधियों की तरफ से किया गया है। विपक्ष की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में 20 तारीख के दिन विरोध मार्च निकाला जाएगा और देखिए उसके ठीक पहले आज समीक्षा बैठक की जाएगी। इसी वजह से ये समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिसमें तमाम जिलों के SP और DM जुड़ेंगे। बीस जुलाई को विपक्ष का प्रतिरोध मार्च, आपको बता दें कि बिहार में लगातार बढ़ती अपराध घटनाओं को लेकर के अपराधी घटनाएं जिस तरीके से लगातार बढ़ रही हैं उसको देखते हुए विपक्ष की तरफ से कल के दिन 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। और आपको बता दें चले, जिस तरीके से जीतन सहनी जो कि मुकेश सहनी के पिता, उनकी हत्या हुई उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई सारे सवाल खड़े होने लगे और उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार के इकबाल पर सवाल खड़े होने लगे हैं, पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आज बैठक बुलाई है, शाम के 4 बजे का समय रखा गया है। और आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात करते हैं। अब देखिए, बिहार में लगातार बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है, समीक्षा की जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए जितने भी उच्च अधिकारी होंगे उन सबके साथ में बैठक की जाएगी। तो वहीं देखिए इसको लेकर के जमकर सियासत हो रही है। अब विपक्ष का कहना है कि चाहे कितनी भी बैठक कर ले कुछ होने वाला नहीं है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। कार्य प्रणाली का समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है, तो कानून व्यवस्था, जो कानून का राज, तो स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है, पहले भी बैठ के होती रही है। ये नीतीश कुमार का सुशासन का ये पुराना तरीका रहा है। हालांकि जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें संवैधानिक संस्थाओं को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखे। आपके अगल बगल जो शागिर्द है आज आपको जगाए हैं निद्रा से, लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध ने सबको भयभीत कर दिया है, हर लोग थर्राया हुआ है, न जाने कब क्या हो जाए। समीक्षा बैठक से क्या होगा, कोई आप जवाबदेही तय करते ही नहीं। सरकार को समीक्षा बैठक करना ठीक है, अच्छी बात है, करिए, देर सही सही करिए, लेकिन जिन इलाकों में लगातार क्राइम हो रहे हैं वहां के किस अधिकारी को आपने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कौन से प्रशासनिक स्तर पर आपने फेरबदल किया खासकर पुलिस प्रशासन में, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के व्यवस्था पर, उन्होंने कहा है कि वो हर मामले को गंभीरता से लेते हैं और इसी को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बैठक भी बुलाई है। तो उन्होंने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है, उन्होंने कहा है कि वो लोग जरा अपने दौर को याद कर लें जो लोग आज कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो जंगल राज का दौर देख चुके हैं वही जंगल राज को एक बार फिर से याद कर रहे हैं। बात भी थी तो लॉ एंड ऑर्डर को भी उन्होंने गंभीरता से लिया है और मीटिंग रखेंगे। और बिहार में जो लोग जंगल राज को स्थापित किया आज वही जंगल राज पर बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पुरानी कहावत चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा। और ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़ी बैठक होने वाली है, शाम के 4 बजे का समय रखा गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में, कौन लोग जुड़ेंगे,
क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। शैलेंद्र, आज कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं, ये बैठक कितना महत्वपूर्ण है राज्य के लिए, क्या कुछ इसमें मुद्दे होंगे बैठक को लेकर के, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घटी हैं और कहीं न कहीं सरकार की भदपीटी और उसके बाद यह बैठक बुलाई गई। हालांकि इस तरीके की बैठकें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा बुलाते रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार के गठन के बाद यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है और शायद यह पहली बैठक है एनडीए की सरकार के गठन करने के बाद इतने बड़े पैमाने पर। बैठकें तो लगातार मुख्यमंत्री करते हैं, समीक्षा लगातार करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी समीक्षा, चूंकि हाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। और आज शाम 4 बजे यह बैठक है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ तमाम जो जिले के डीएम एसपी हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए जुड़ेंगे और यहाँ जो मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, बिहार सरकार के और भी कई मंत्री मौजूद होंगे, डीजीपी मौजूद होंगे, मुख्य सचिव मौजूद होंगे। तो एक बड़ी बैठक है और बड़ी समीक्षा है बिहार के अलग अलग जिलों की, बारी बारी से तमाम जिलों की सूची मुख्यमंत्री देखेंगे कि जो क्राइम कंट्रोल के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछली बैठक में, उसका क्या हुआ। तो तमाम चीजों को नीतीश कुमार देखना चाहते हैं क्योंकि लगातार सरकार के इकबाल पर सवाल उठ रहा है, मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो या फिर अन्य घटनाएं घटे, इससे कहीं ना कहीं सरकार के साख पर सवाल उठे हैं और इन्हीं चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक को बुलाई है ताकि जिलावार जो क्राइम का ग्राफ है, जो पुलिस काम कर रही है अपराध को रोकने के लिए, उसे देखा जाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार आवास की भी हम तस्वीर दिखा देंगे क्योंकि आज शाम में यहीं पर बैठक होनी है, बड़ी बैठक होनी है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी यह बैठक है। तो ऐसी परिस्थिति में यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, सियासत इसमें अपनी जगह है। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात कर लें इस आज के शाम में होने वाली समीक्षा बैठक की, तो इसमें हरेक जिलों के जो डीएमएसपी जुड़ेंगे वो बताएंगे कि उनके जिले के क्या ग्राफ हैं, उनके जिले में क्या कार्रवाई की गई जब भी जो बड़ी घटनाएं घटी हैं, हाल के दिनों में जितनी घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं का खाका लेखा जोखा लेकर के आज तमाम पदाधिकारियों को बैठना होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक एक सवालों का जवाब भी देना होगा। तो इसकी तैयारी भी पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर की गई है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब किसी आपराधिक घटना को लेकर सवाल पूछे तो पदाधिकारी उसका जवाब दे। क्योंकि जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी चाहती थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से वहां के बड़े माफियाओं को आप जो अपराध करते हैं उन्हें धूल चटाया गया, उसी तरीके से बिहार में भी कार्रवाई हो। और इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से लगातार सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा था, चाहे वो डीजीपी हो या अन्य पदाधिकारी हो, तमाम लोगों को ये बार बार निर्देश भी दिया जा रहा था कि कार्रवाई करिए। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हीं चीजों को देखने के लिए उन्होंने समीक्षा बैठक बुलाई है और माना जा रहा है इस बैठक में तमाम पुलिस पदाधिकारियों को हाल के दिनों में जितनी बड़ी घटनाएं घटी हैं उस पर जवाब देना होगा। जी ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं संजय। संजय देखिए, आज जो बैठक बुलाई गई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, और लगातार एक तरफ देखा जाए तो अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बैठक के बाद क्या इसका असर धरातल पर देखने को मिलेगा, अपराध की घटनाएं जो है वो कम होगी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी रही है। 2005 से ही जब से वो सत्ता में आए हैं, क्राइम करप्शन ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार गंभीर रहे हैं। ये बात सही है कि समय समय पर आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन आज की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इससे पहले 2023 में इतनी बड़ी बैठक हुई थी जिसमें तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन सीएम लेवल पर दिए गए थे, और आज उसके बाद 2024 में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होनी है, जो पुलिस मुख्यालय ने जो इंस्ट्रक्शन थे उनको कितना फॉलो किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारियों ने। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कई टिप्स दिए थे कि क्राइम कंट्रोल के लिए ये एहतियात के तौर पर ये कदम उठाने चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि थानों में लैंडलाइन की जो व्यवस्था थी फोन की, वो खत्म कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने स्वयं दिलचस्पी ली थी और लैंडलाइन फोन को सब थानों में चालू करवाया, ये 2023 का फैसला था। 2024 में मुख्यमंत्री आज समीक्षा करेंगे। ये बात सही है कि हाल में
कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने साफ तौर पर कहा है कि इसे परसेप्शन नहीं बनाया जाना चाहिए कि राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। अगर आप रिकॉर्ड को देखते हैं तो 2024 साल में जो हत्या का रेशियो है, जो हत्या का आंकड़ा है, वो आधा हो गया है। तो ऐसे में ये कह देना कि आपराधिक घटनाएं ताबड़तोड़ हो गई है बिहार में, ये बिल्कुल पुलिस मुख्यालय ने इसको डिनाई किया है, डेटा और जो आंकड़ा है उसके माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। आज की बैठक में निश्चित तौर पर जो जिला स्तर पर काम किए गए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी, जो पुलिस मुख्यालय ने इंस्ट्रक्शन दिया था उसका भी रिव्यू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर भी अधिकारियों को टिप्स देंगे कि ये काम आप कीजिए क्राइम कंट्रोल के स्तर से। तो निश्चित तौर पर आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसमें तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं, अधिकारी राज्य स्तर के, इसके अलावा जिला स्तर के प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, एसपी, डीएम, तमाम अधिकारी भाग लेंगे और देखना होगा इस बैठक से क्या कुछ महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है। जी ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।